दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया और उनका फाइनल खेलने का सपना तोड़ दिया, जिसके बाद में अफगान कप्तान राशिद खान काफी ज्यादा भावुक नजर आए। वही मैच के बाद में राशिद खान ने कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान दिए हैं। वही टीम इंडिया पर भी दिल जीतने वाली बात कह दी है। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार क्या कुछ कह दिया है राशिद खान ने अपने बयान में सब कुछ, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारत इंग्लैंड का मैच लाइव फ्री में देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों आज T20 वर्ल्ड कप 2024 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम के सामने साउथ अफ्रीका की टीम थी। सबको उम्मीद थी कि इस मैच में भी अफगानिस्तान अफ्रीका को कड़ी कांटे की टक्कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि अफ्रीकी टीम ने बेहद ही लाजवाब प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया और अपनी जगह वर्ल्ड कप के फाइनल में बना ली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि अफगानिस्तान के लिए काफी भारी पड़ा क्योंकि पहले तो अफगानिस्तान की शुरुआत काफी खराब हुई। पावर प्ले में ही अफगानिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट गई, जिसके बाद भी ये टीम वापसी ही नहीं कर पाई। अजमतुल्ला के अलावा कोई भी बैट्समैन डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंच पाया। वहीं अफ्रीका ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम को सिर्फ 56 रन पर ही ऑन एल आउट कर दिया। जहां बता दें कि अफ्रीका के लिए गेंदबाजी में यानसेन और शमसी ने 3-3 विकेट लिए, वही रब्बाड़ा और नोरखिया को 2-2 विकेट मिले। जिसके बाद में जब इस लक्ष्य का पीछा करने आई अफ्रीका तो दूसरे ओवर में डिकॉक आउट हो गए, लेकिन उसके बाद में अफ्रीका बल्लेबाजों ने काफी सधी हुई बल्लेबाजी की और इस मैच को बड़ी ही आसानी से अपनी टीम को जीताकर फाइनल में पहुंचा दिया और अफगानिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। वही अब अफगानिस्तान की टीम की इस शर्मनाक हार के बाद में अफगान कप्तान राशिद खान ने इंटरव्यू में कुछ बयान दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, राशिद खान ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं हमारी इस हार से बेहद ही ज्यादा निराश हूँ, क्योंकि हमारा सपना था वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने का, जिसके लिए हमने काफी मेहनत की, लेकिन इस हार से हमारी पूरी टीम का दिल ही टूट गया है। सच बताऊं तो हमारी इस हार की सबसे बड़ी वजह है तो वो हमारी बल्लेबाजी है। हमने आज काफी खराब बैटिंग की और बेहद ही कम स्कोर बनाया। आज से 2 दिन पहले हमने बांग्लादेश को हराकर अपना सेमीफाइनल खेलने का सपना पूरा किया था, लेकिन इस हार से हमारा सपना तो टूटा है, साथ में सभी खिलाड़ियों का दिल भी टूट चुका है, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि हम हार जाएंगे। मैं आज का ये दिन कभी भी नहीं भूल पाऊंगा अपने जीवन में। बाकी अब हम तो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, लेकिन अब हम टीम इंडिया को सपोर्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने ही हमें सेमीफाइनल में पहुंचने में मदद की थी, और वैसे भी मैं भारत को अपना दूसरा घर मानता हूं, जिस वजह से अब हमारा सपोर्ट इंडिया को है। मैं पक्का बोल सकता हूं कि भारत ही इस बार का वर्ल्ड कप जीतेगा, साथ में टीम इंडिया का फाइनल अफ्रीका से होगा, जहां पर भारत की टीम अफ्रीका को हराकर हमारी हार का बदला लेगी। तो दोस्तों ऐसा बयान देकर राशिद ने करोड़ों भारतीय फैंस का दिल जीत लिया है। लेकिन आपके हिसाब से अफगानिस्तान की हार की सबसे बड़ी वजह क्या है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वही साउथ अफ्रीका को फाइनल में पहुंचाने के बाद में अफ्रीकी कप्तान एडन माकरम ने टीम इंडिया पर कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान देते हुए कुछ ऐसा कह दिया है कि जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। जहां माकरम ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि मैं और हमारी पूरी टीम आज काफी खुश है फाइनल में जाने से। आज का ये दिन मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा क्योंकि मैं अफ्रीका का पहला कप्तान हूँ जिसने अफ्रीका को फाइनल में पहुंचाया है। सच बताऊं तो मैंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा सेमीफाइनल होगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने भी इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छा क्रिकेट खेला था, लेकिन हमारी पूरी टीम ने जो खेल खेला है उसी का नतीजा है कि हमने एक तरफा सेमीफाइनल जीता है। इस जीत का क्रेडिट मैं पूरी टीम को देना चाहूंगा। अब हम वेट कर रहे हैं दूसरे फाइनलिस्ट का। मुझे लगता है कि इंडिया ही हमसे फाइनल में भिड़ेगी क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग टीम है। हमने ये मैच तो आसानी से जीत लिया, लेकिन भारत को हराना काफी मुश्किल है। अगर भारत नहीं आता फाइनल में तो अच्छा है, क्योंकि उन्हें हराना काफी मुश्किल होगा। भारत बेहद ही बैलेंस्ड टीम है, बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी सब मजबूत है। वही उनके कप्तान रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में है, इसलिए अगर इंग्लैंड फाइनल में आता है तो हमारे लिए आसानी होगी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि मैं इस बार जरूर हमारी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाऊंगा। दोस्तों एडन माकरम ने भारत पर ऐसा बयान देकर सभी का दिल जीत लिया, लेकिन आपको क्या लगता है
इस बार कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वही दोस्तों, अफगानिस्तान के इस हार के बाद सबसे ज्यादा खुश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने इस पर कुछ चौंकाने वाले और घटिया बयान दिए हैं। सबसे पहले एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद अफगानिस्तान की टीम काफी ज्यादा घमंड में आ गई थी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने उनके पूरे घमंड को तोड़ दिया और बता दिया कि कौन बेहतर है। सेमीफाइनल जैसे मैच में इससे खराब प्रदर्शन मैंने आज तक नहीं देखा। अफगानिस्तान काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से वो हारे हैं। इसके बाद माइकल क्लार्क ने कहा, ये पिच गेंदबाजी के लिए काफी अच्छी थी और इस पिच पर कोई भी कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करता, लेकिन अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने एक मैच में क्या हराया, वो आसमान में ही उड़ने लग गए। इससे अच्छा अगर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में आती तो हमें एटलीस्ट ऐसा वन साइड बोरिंग मैच तो देखने नहीं मिलता। वही रिकी पॉन्टिंग ने कहा, अफगानिस्तान ने इस पूरे टूर्नामेंट में जो क्रिकेट खेला है इसके लिए उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल सेमीफाइनल का मुकाबला टक्कर का होना चाहिए था, लेकिन वही नहीं हो पाया। मैं अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को यही कहना चाहूंगा कि उन्हें निराश होना नहीं चाहिए, पिच खराब थी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दिल तोड़ने वाली हार मिलती है, लेकिन उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान ने बहुत कुछ सीखा है, वो सेमीफाइनल तक पहुंचे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया तो यहां तक भी नहीं पहुंच पाई। वही इसके बाद मैथ्यू हेडन ने कहा, वर्ल्ड क्लास टीम का वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। साउथ अफ्रीका ने क्या क्रिकेट खेला है, तारीफ करनी होगी उनकी। मैं देख रहा था कि सभी अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, सबको ऐसा लग रहा था कि ये टीम फाइनल में जाएगी, पर शायद लोग ये भूल चुके थे कि सामने साउथ अफ्रीका है, वो कोई छोटी मोटी टीम नहीं है। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था वो काफी ज्यादा घमंड में आ चुके हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हल्के में ले लिया, जिसका नतीजा क्या हुआ वो अब सबके सामने है। दोस्तों, कुछ इस तरह था अफगानिस्तान की हार पर ऑस्ट्रेलियन दिग्गजों का रिएक्शन। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। सेमीफाइनल हारने के बाद रो पड़े राशिद खान, जिसके बाद डेविड मिलर ने दिल जीतने वाला काम किया। आज अफगानिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका को सिर्फ 57 का टारगेट दिया था, जिसे साउथ अफ्रीका ने बड़े ही आसानी से चेस कर दिया और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। इस हार के बाद अफगानिस्तान के खिलाड़ी बेहद ही उदास थे, खासकर राशिद खान। मैच के बाद राशिद रोते हुए भी दिखाई दिए। उन्हें समझ ही नहीं रहा था कि अफगानिस्तान की टीम, जिसने इस बार बड़े बड़े टीम को हराया था, वो इस किस्म की घटिया क्रिकेट खेलेगी। लोगों को उन पर खूब भरोसा था, लेकिन ये भरोसा टूट गया, इसीलिए वो काफी भावुक हो गए थे। जिसके बाद उनके आईपीएल पार्टनर डेविड मिलर ने जब ये देखा तो मिलर राशिद खान को गले लगाकर दिलासा देते हुए दिखाई दिए। मिलर के इस जेस्चर ने सभी का दिल जीत लिया। दोस्तों, आपकी राय में अफगानिस्तान की टीम का हार का कारण क्या था, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।